एक बार मैं दर्शकों को एक बार फिर से समझा दूं और दर्शक भी जरा इस बात को देख ले और समझ ले कि आखिर अंजलि दामानी के ऊपर किस तरीके के आरोप लगे हैं और किस तरीके के जवाब उनसे मांगे जा रहे हैं। तो मुंबई के पास कर्जत में किसान बनकर 7 एकड़ जमीन खरीदी थी अंजलि दामानिया ने और 4 साल बाद इस जमीन का लैंड यूज बदलकर इसको बेच दिया गया था। आरोप यह लगे कि खेती के लिए जमीन खरीदकर उसकी प्लॉटिंग की गई और 139 प्लॉट बनाए गए जिन्हें अलग अलग लोगों को बेचा गया है। और इसके अलावा जब अंजलि का जवाब आया तो उन्होंने ये कहा कि जमीन नियम के मुताबिक खरीदी गई और वो जांच को तैयार हैं। तो अंजलि दामानिया के ऊपर ये आरोप लगे थे, लेकिन सवाल हम ये उठा रहे हैं कि जब सुप्रिया सुले और अंजलि दामानिया दोनों पर एक जैसे आरोप हैं तो केजरीवाल की तरफ से ये दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है। चलिए प्रशांत भूषण की बात करते हैं। नोएडा और हिमाचल में ट्रस्ट के नाम पे फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहित की गई है, यह मामला है प्रशांत भूषण का। जहां जमीन नहीं खरीद सकते वहां जमीन कैसे खरीदी गई, यह आरोप लगा। इसके अलावा प्रशांत का जवाब, जमीन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है और इन नियमों के मुताबिक खरीदी गई है, यह कहना है प्रशांत भूषण का। और हम जांच के लिए तैयार हैं हमेशा की तरह, प्रशांत भूषण का भी वही जवाब आया। लेकिन सवाल यह है कि खुद आरोपी होते हुए दूसरों पर आरोप लगाना कितना उचित है, यह सवाल हम पूछ रहे हैं प्रशांत भूषण से। मयंक गांधी का मामला यह है कि अपने चाचा को दक्षिण मुंबई के मार्केट में रीडेवलपमेंट में मदद करने का ठेका दिलाया गया, महाराष्ट्र सरकार ने ठेका अनियमितता के चलते रद्द कर दिया। मयंक गांधी के ऊपर जब यह मामला लगा तो मयंक गांधी के ऊपर आरोप भी यह लगाया गया कि टेंडर में अनियमितता कर चाचा को यह ठेका दिलाया गया। मयंक गांधी का भी जवाब यही आया कि कोई अनियमितता नहीं की गई, जांच के लिए मयंक गांधी तैयार हैं। सवाल वही है कि दूसरों के इस्तीफे की मांग करने वाले अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेते हैं, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। और ये वो जस्टिस हैं जिनकी एक समिति बनाई गई है जो जांच करेगी इस पूरे मामले की। तो अब आप लोगों ने मामला समझ लिया होगा, अंजलि दामानिया और तमाम जो आईएससी के मेंबर हैं उनके ये जो मामले थे प्रमुखता से जो उठाए गए हैं उसका आपको अब तक विवरण समझ में आ गया होगा। चलिए एनी कोहली जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो सारे मामले हैं आपके संज्ञान में हैं, आपके हिसाब से जो सवाल हमारी तरफ से या सुदर्शन न्यूज की तरफ से पूछे गए हैं आपको जायज लग रहे हैं? बिल्कुल जायज लग रहे हैं। मैं उसके एक कदम और आगे जाती हूँ जी। वो ये कह रहे, उन्होंने अभी 3 मेंबर्स की जो है जो हाई सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो कमेटी बनाई है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर वो नहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते, अगर ऑर्डिनरी कमेटी भी होती, मैं उसका भी स्वागत करती थी, खुले दिल से स्वागत करती हूँ। आज उन्होंने जुडिशरी में से 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक समिति बनाई, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, जिस जुडिशरी ने आपकी जमीन जब्त की, चाहे भला वो काजी कोर्ट हो, कलेक्टर की कोर्ट है, तहसीलदार की कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है तो वो भी जुडिशरी, वो तो आज अंदर है, जुडिशरी में है, भारत सरकार की जुडिशरी में है वो। तो आप ये कहना चाहती हैं कि वो करप्ट हैं और आपने जो जुडिशरी जो लगाई है वो सही है? वो सही है जी, जुडिशरी वो भी सही है, जुडिशरी ये भी सही है। आपसे इस पर मैं आप कमेंट चाहूंगा, जिस तरीके से एनी कोहली जी कह रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, हम तो कहते हैं जांच कराइए। अब अगर अंजलि कहती है कि जांच कराइए तो जांच होनी चाहिए। अब सरकार सामने बैठी है, हम पावर में नहीं है, हम तो बाहर एक आम आदमी है। अगर सरकार चाहे तो उसके लिए बहुत आसान सा काम है। आरोप तो हम सरकार के लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि सरकार के लोग जांच नहीं करवाते, जांच करने के लिए तैयार नहीं है। अगर है इतनी हिम्मत तो जिस तरह से हमने इंटरनल लोकपाल बनाया, वो अपनी लोकपाल बनाया और अपनी जांच करा के दिखा दे। या हम जिस आरोप लगाते हैं उनकी जांच करा। कोहली जी क्या पूछना चाह रहे हैं? यहाँ जांच का सवाल कहाँ उठता है? जुडिशरी ने आपकी जमीन ऑलरेडी जब्त कर ली है, उसकी जांच हो चुकी, उसके बाद आपकी इंटरनल जांच का अलग से मतलब क्या है? नहीं, ये बताएं। चलिए, मैं फिर भी इसका स्वागत कर रही हूँ। मैं तो एक ही बात मैंने पहले भी कही है कि मुझे ये बताएं, जब अपने घर पे आग लगी तो आप चिल्लाते हो आग 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 आग, हाय आग लग गई है। और नहीं, अपने घर में आग लगी, ये देश में आग लगी, अपने किसी अरविंद के घर, किसी संजीव के घर आग नहीं लगी, ये देश में आग लगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करप्शन देश की समस्या से आहत है। एक मिनट सुनिए, मैं इस वक्त अंजलि दामानिया जी की जमीन की बात कर रही हूँ। जब उनकी जमीन जब्त हो रही है, उनकी जमीन, तो वो चिल्ला रही है कि मेरी जमीन छोड़ दो, 500-700 मीटर आगे ले जाओ, वहां तक प्राइवेट जमीन है, उसके आगे आदिवासियों की जमीन है। मैं नैतिकता के आधार की अब बात करती हूँ। नैतिकता के आधार पे उनको खुद को अलग हो जाना चाहिए था, जब उन्होंने इतना बड़ा कांड किया हुआ है। तो आप किस तरह से एक आदिवासी लोगों को आप किस तरह से आदिवासी लोगों की जमीन के ऊपर आप कहती हैं कि आप उनकी जमीन जो एक्वायर कर लीजिए और हमारी जमीन छोड़ दीजिए। आप तो हद कर दी आपने, तो आपके पास कोई आईएससी के मेंबर्स के पास कोई नैतिकता बची नहीं है?
कोई नैतिकता का आधार ही नहीं आपका तो। नहीं, नहीं, आप ये एक बात, मिनट ये आप, बात, आप ये बात, एक मिनट आप ये कहते हैं कि सलमान खुर्शीद के ऊपर आरोप लगा दिए, हमने सब्सटेंशियल प्रूफ दे दिया है, सलमान खुर्शीद इस्तीफा दे दें, वेलकम, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, हम कहते हैं कि किसी तरह दो महीने में जांच कराओ, दो महीने में जांच कर रिपोर्ट दो। एक मिनट, हम ये नहीं कहते, हमने कहता सब्सटेंशियल प्रूफ है, दो महीने में जांच कर रिपोर्ट हमें दो, हम तीन महीने की बात कर रहे हैं। एक मिनट अंजलि, एक मिनट, संजीव झा जी, मैं भी आपको करेक्ट करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जब यहाँ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि सलमान खुर्शीद के इस्तीफे से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ये नहीं कहा था कि जांच के बाद वो इस्तीफा दें। ऐसे में इस्तीफा अभी, अगर इस्तीफा नहीं हुआ तब भी हट गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि चलिए आईएससी के बैनर के तले, आप कह रहे हैं कि कोई पद नहीं होता, लेकिन आईएससी के बैनर के तले कम से कम अंजलि दमानिया को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करनी चाहिए थी ना? विश्वसनीयता पे सवाल तो यहीं से उठते हैं। हाँ, लेकिन जिस सवाल को अंजलि ने उठाया, क्या वो सवाल महत्वपूर्ण नहीं था? क्या वो सवाल लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए? या किस तरह की कॉल्यूजन होती है पक्ष विपक्षों के बीच में, क्या लोगों को पता नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। और वहां अब सपोज वो आती है, उसमें किस तरह का आरोप, हम कहते हैं कि जी ए आरोपी है, ए ने गलत काम किया, तो गलत काम की जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जांच होने के बाद अगर लगता है, क्योंकि पावर में जो बैठे लोग हैं उनके लिए बड़ा आसान काम होता, अगर गलत होते तो दो मिनट में वो एक्सपोज करके सारा कुछ खत्म कर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने लगा सरकार करे ना करे, हम अपनी इंटरनल लोकपाल से, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन यहां सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, सवाल बहुत ज्यादा हैं। और अब आईएससी की विश्वसनीयता पे भी सवाल उठने लगे हैं, और जिस विकल्प के तौर पे जनता आईएससी को देख रही थी, अब क्या वो विकल्प आईएससी दे पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।